नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली पड़ी राज्यसभा सीट के लिए भाजपा ने पहले ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। भाजपा ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे उम्मीद जताई जा रही थी कि लोजपा प्रमुख चिराग पासवान अपनी मां और स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को राज्यसभा उम्मीदवार बनाना चाह रहे थे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा ने एनडीए गठबंधन से अलग रहकर चुनाव लड़ा। भले ही लोजपा को सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल हुई, लेकिन इस बार के चुनाव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोजपा ने जेडीयू को काफी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में भाजपा के साथ यह मजबूरी थी कि अगर वह लोजपा प्रत्याशी को एनडीए के तरफ से उम्मीदवार बनाती है तो शायद जदयू का समर्थन नहीं मिलता। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि शायद यही कारण था कि भाजपा ने खाली पड़े इस राज्यसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लोजपा अब केंद्र में भी अलग थलग पड़ गई है। इधर महागठबंधन ने भी जबरदस्त राजनीतिक दांव खेल दिया था। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि अगर चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को उम्मीदवार बनाते हैं तो राजद बिना शर्त उनका समर्थन करेगा। राजद इस पेशकश के जरिए एक तीर से दो निशाने लगाने के पक्ष में था। राजद रीना पासवान को समर्थन देकर दलित के प्रति अपनी सहानुभूति भी दिखाने की कोशिश में लगा था। ऐसे में बिहार की राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा तेज हो गई थी कि क्या चिराग पासवान अपनी मां को राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार बनाएंगे। इसके लिए उन्हें भाजपा के खिलाफ जाना पड़ता, लेकिन चिराग पासवान ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। लोजपा अध्यक्ष ने यह फैसला कर लिया है कि वह भाजपा के खिलाफ नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं उन्हें भाजपा के साथ ही अपनी राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नजर आ रही है। चिराग पासवान ने आज पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी मां की यह इच्छा नहीं है कि वो राजनीति में जाएं। चिराग ने कहा कि मेरी मां हमेशा राजनीति से दूर ही रही है। पापा के निधन के बाद जो राज्यसभा सीट खाली हो गई थी वह भाजपा की ही सीट है और भाजपा अपना उम्मीदवार उतारने के लिए स्वतंत्र है। हम भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। उन्होंने राजद के नेताओं को भी समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। तो चिराग पासवान ने सारे कयासों पर विराम लगा दिया है। लोजपा अध्यक्ष ने खाली पड़े राज्यसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा उम्मीदवार सुशील कुमार मोदी को समर्थन देने की बात कही है। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन इस सीट के लिए किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि महागठबंधन राजद नेता श्याम रजक को चुनावी मैदान में उतार सकती है। बताते चले कि इस राज्यसभा सीट के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 3 दिसंबर है, जबकि चुनाव 14 दिसंबर को होना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।